उत्तराखंड मुस्लिम यूथ मोर्चा ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां के 6 SDM कौस्तुभ मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के 6 SDM ने कहा, उत्तरांचल मुस्लिम युद्ध मोर्चा की तरफ से जिस तरह से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, ये कार्य अपने आप में प्रशंसनीय है। वहीं कार्यक्रम आयोजक उत्तरांचल मुस्लिम मोर्चा के कुमाऊं प्रभारी दानिश अहमद और जावेद मलिक ने संयुक्त रूप से कहा, हमारी टीम की तरफ से 10वीं के छात्र छात्राओं और 12वीं के 9 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, संगठन का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। तुम इतने कम टाइम में इतना तुम्हारा शॉर्टेड समय है, तुम ये क्यों करते हो? उसने कहा, पता है जितनी बार मैं इनको पढ़ाता हूँ उतनी बार मुझे रिपीट भी होता है। तो आप जब पढ़ते हो, इसी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि विद्या ऐसी चीज है ज्ञान, और कुछ बांटोगे कम हो जाएगा, ये बांटोगे तो बढ़ेगा। पढ़ा है छोटे को बता दे, साथी को बता दे, तो ये इसको बांटने से बहुत बड़ा आपका ये ज्ञान बढ़ता है। दूसरी बात, जो विद्या संस्कृत में होती है, विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके पास होती है उसी आदमी के पास विनय, मतलब वही शालीन होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता बहुत अकड़ के चलता है, सबको देख लेंगे, सबको निपटा देंगे, सबका काम कर देंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है, पढ़ने के बाद वो कहता है कि हाँ ठीक है, अगर कोई हमसे अकड़ भी रहा है तो उसको भी संभाल लेंगे कि चलो भाई ठीक है। कार्यक्रम था जिसमें क्षेत्र के जो मेधावी बच्चे थे जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में अच्छे स्थान उत्तीर्ण किए थे, सम्मानित किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, इससे बच्चों को न केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि आगे भविष्य में क्या करना है इसके लिए क्षेत्र में मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है, अन्य बच्चे भी प्रेरणा लेकर इसमें तैयारी करते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, अपेक्षा भी रहती है कि जिस प्रकार बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि आगे के अपने करियर में या उसमें वो आगे बढ़ते हुए देश के विकास में वो अपना योगदान